हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, लेट्स लर्न विद देम। आज की वीडियो का टॉपिक है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल एंड देयर बेसिक ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज़। आज की वीडियो के अंदर हम ट्रायंगल की मुख्तलिफ टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह की होती हैं और उनकी कुछ ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ट्रायंगल होती क्या है। ट्रायंगल हमारे पास ज्योमेट्रिक शेप होती है जिसकी थ्री साइड्स होती हैं और थ्री ही एंगल्स होते हैं। एंगल्स क्या होते हैं? एंगल्स हमारे पास जहाँ पर भी दो लाइंस आपस में मिलती हैं तो वो मिलकर एक वहाँ पर एंगल बना देती हैं। तो ट्रायंगल हमारे पास एक ऐसी शेप है जिसकी हमारे पास थ्री डिफरेंट साइड्स होती हैं और थ्री ही एंगल्स होते हैं। सो अब एंगल्स ऑफ ट्रायंगल के अंदर हम दो तरह के एंगल्स देखते हैं हर शेप के अंदर। एक इंटीरियर एंगल होता है और एक एक्सटीरियर एंगल होता है। यानी कि किसी भी पॉइंट पर अगर कोई एंगल बन रहा है तो वहाँ पर एक इंटीरियर एंगल मौजूद है और एक एक्सटीरियर एंगल भी मौजूद है। अब अगर ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल के आपको सबसे पहले अंदर वाली तरफ आप देखें, ट्रायंगल की शेप जो है उसके अंदर आपको थ्री एंगल्स नज़र आ रहे हैं जिनको हमने आर से लेबल किया हुआ है। अब ये थ्री एंगल्स जो हैं वो ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके इंटरनल में होते हैं, उसके अंदर की तरफ होते हैं, तो इसलिए हम इनको इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। और इसी तरह अगर हम बात की जाए बाहर, अगर आप देखें कि एक एक लाइन उन्होंने थोड़ा सा बढ़ाया हुआ है, उसको एक्सटेंड किया हुआ है हर लाइन को, तो वहाँ पर एक और नया एंगल बन रहा है जिसको हमने ब्लू कलर से शेड किया हुआ है, तो ये एंगल कहलाता है एक्सटीरियर एंगल, जिसको हमने वाई से लेबल किया हुआ है। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स तीन तीन होते हैं ट्रायंगल के अंदर, क्योंकि थ्री साइड्स होती हैं और उन थ्री साइड्स के ऊपर थ्री इंटीरियर एंगल्स बनते हैं और थ्री ही एक्सटीरियर एंगल्स बनते हैं। अब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं तो ट्रायंगल की अगर हम बात की जाए जनरली सिक्स टाइप्स होती हैं। तीन जो होती हैं वो उसके एंगल्स की बुनियाद पर होती हैं और जो दूसरी तीन होती हैं वो उसकी साइड्स की लेंथ की बुनियाद पर जो है हम उनको करेक्टराइज करते हैं। अब सबसे पहले हम जो है तीन टाइप्स ऑफ ट्रायंगल को डिस्कस करते हैं। पहले साइड्स की बुनियाद पर हमारे पास जो तीन टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स होती हैं उनकी साइड्स की बेस पे हम उनकी बात करते हैं। तो साइड्स की बेस पे हमारे पास देख सबसे पहले टाइप है इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इक्विलैटरल लव्स के अंदर ही इक्वल आ रहा है, यानी कि इस ट्रायंगल की सारी साइड्स की लेंथ जो होती है वो बराबर होती है। इस ट्रायंगल की सारी साइड्स की लेंथ जो होती है इक्विलैटरल ट्रायंगल की, वो लेंथ बराबर होती है। अब इसके जो सारे एंगल्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं, सारी साइड्स की लेंथ भी इक्वल होती है, उनके जो एंगल्स बन रहे होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। जिस तरह से अगर हम देखें यहाँ पे रिलेशंस वाले बॉक्स के अंदर आप देखें तो सारी साइड्स जो है ए बी बी सी सी ए, ये आपस में इनकी लेंथ भी इक्वल है और इसके साथ साथ जो एंगल्स बन रहे हैं एंगल ए बी एंड सी, ये भी आपस में जो है वो इक्वल है। तो अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो एक्सटीरियर एंगल्स भी जो होंगे वो सारे इक्वल होंगे। अब नेक्स्ट टाइप है आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल की देखें तो दो साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं, कोई सी भी दो साइड्स इसकी जो हैं वो इक्वल होंगी। जिस तरह से इस डायग्राम के अंदर जो ए बी है और जो ए सी है वो आपस में इक्वल है, ए बी और ए सी की लेंथ जो है वो सेम है, इसकी वजह से जो इनके बेस एंगल्स बन रहे हैं, इनके जो ए बी और ए सी से एंगल बन रहे हैं नीचे जो बेस है ट्रायंगल की उस पर जो एंगल बन रहे हैं वो दोनों एंगल्स भी सेम होंगे। यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर एट लीस्ट दो साइड्स की लेंथ भी सेम होगी, इसके साथ साथ जो बेस एंगल्स होंगे उन दो साइड्स से जो बन रहे होंगे उन बेस एंगल्स का जो कि डिग्री जितने डिग्री के होंगे उनकी जो मेजरमेंट होगी वो भी हमारे पास सेम होगी। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रायंगल है स्केलिन ट्रायंगल। अब स्केलिन ट्रायंगल में हमारे पास कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, यानी कि इसकी सारी साइड्स की लेंथ जो है वो डिफरेंट होती है, इसी वजह से इसकी सारी साइड्स के जो एंगल्स होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। यानी कि इसके अंदर ना कोई हमारे पास एंगल सेम होता है ना ही कोई हमारे पास जो है साइड की लेंथ सेम होती है। अभी तक तो जब हमने टाइप्स ऑफ ट्रायंगल देखी थी उसके अंदर हमने उनको उनकी साइड्स की लेंथ की बुनियाद पर जो है वो डिवाइड किया हुआ था कि साइड्स की लेंथ सेम, सारी साइड्स की लेंथ सेम होंगी तो हमारे को लेटरल ट्रायंगल बनेगी, दो की होगी तो आइसोसेलेस होगी और किसी की सेम नहीं होगी तो हमारे पास जो है स्केलिन ट्रायंगल बनेगी।
लेकिन अब जो हम तीन टाइप्स ऑफ ट्राइंगल देखेंगे उसके अंदर हम एंगल्स की टाइप पे देखेंगे, एंगल कौन कौन से टाइप के वो बना रही है। और जिस तरह फर्स्ट वाली है राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसके अंदर हमारे पास कम से कम एक एंगल जो होता है वो राइट एंगल होता है, कम से कम एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री के कुल होता है, और 90 डिग्री का एंगल राइट एंगल कहलाता है। तो जिस ट्राइंगल के अंदर एटलीस्ट एक एंगल जो है वो राइट एंगल होगा, वो राइट एंगल ट्राइंगल होगी। अब इस तरह नेक्स्ट एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, इसके अंदर हमारे पास सारे एंगल्स एक्यूट एंगल्स होंगे। एक्यूट एंगल्स यानी कि उनकी जो डिग्री वो 90 डिग्री से कम के होंगे, 90 डिग्री से छोटे होंगे, यानी कि सारे एंगल जिसके जो है वो किसके होंगे, एक्यूट एंगल होंगे, राइट एंगल से छोटे एंगल्स जो होते हैं उनको हम एक्यूट एंगल्स कहते हैं। इसीलिए हम इस ट्राइंगल को भी एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल कहते हैं, यानी कि इसके सारे एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री से कम हैं। अब नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल, यानी कि इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि सारे एंगल्स जो हैं सारे तो नहीं, एटलीस्ट वन एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल होना चाहिए। ऑब्ट्यूज एंगल ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो, तो इसके तीन एंगल्स में से कोई भी एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। तो अब ये हमारे पास, हमने टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स को डिस्कस कर लिया है, कुछ जो थी वो साइड्स की लेंथ की बुनियाद पर थी, कुछ एंगल की टाइप की बुनियाद पर थी। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हमारे पास ट्राइंगल क्या, कौन सी शेप, ज्योमेट्रिक शेप को बोलते हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को आप समझ चुके होंगे। एक और बात आप लोगों को बताता चलूँ कि हमने जो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स को एंगल्स की बुनियाद पर करेक्टराइज़ किया है, तो हमने उनके इंटीरियर एंगल्स की बात की, एक्सटीरियर एंगल्स की बात हम नहीं कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़।